तो ये देखिए हम रोड पे आ चुके हैं और रोड ढलैया हो रहा है ये। तो हेलो गाइस, तौहीद मुस्तफ़ा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी हम आ चुके हैं नदी के पास, जो कि ये है खुरी नदी नवादा का। काफ़ी बड़ा नदी है ये देखिए, जो कि काफ़ी बड़ा नदी है ये खुरी नदी। अभी पानी कम है और लोग इधर ही से आना जाना करते हैं, उधर का आदमी जो है इधर ही से आना जाना करते हैं। और ये देखिए पोल, जो कि गिर चुका है ये पोल। बस ये क्योंकि गिरने का कारण यही है, जो कि बालू वगैरह जो है ना इसमें नहीं थम चुका है, तो इसलिए गिरने का कारण यही है। एक ये गिर गया है, बहुत ही करीब है, हाथ भी अगर ऐसे करोगे ना तो मतलब मैं वहाँ से दूर हूँ काफ़ी, हाथ ऐसे करोगे तो छू देगा कोई, तो कोई तो हाथ छुएगा नहीं। और इसमें है करंट है, इसमें ऐसा कि लाइन नहीं, इसमें लाइट है। और एक पोल ये और एक पोल ये है गिरा हुआ, बाकी उधर नहीं गिरा हुआ है। और ये रहा खुरी नदी का कुछ नज़ारा। और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि निनौरा क्षेत्र में एक साइड जो है रोड बन के आ रहा है, तो आपको मैं रोड दिखाऊँगा। तो अभी सोचा कि चलो खुरी नदी दिखा देता हूँ, और खुरी नदी का कुछ नज़ारा है। तो यही नज़ारा है, पोल वगैरह इधर गिरा हुआ है, अभी तो गिरा नहीं, शायद आने वाला समय में गिर जाएगा। इससे अच्छा है कि ये ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। तो यही खुरी नदी का कुछ नज़ारा है। तो आपको मैं चलिए रोड दिखाता हूँ जहाँ की रोड बन रहा है, तो वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा। तो चलिए आपको रोड की ओर दिखाता हूँ। आ चुके हैं रोड की ओर, तो चलिए आपको रोड दिखाते हैं। तो ये रोड स्टार्ट हुआ है, तो ये रोड जो स्टार्ट हुआ है ये हुआ है रजौली जो है ना, रजौली बस स्टैंड जो टोली की ओर जो भुनौर टोली जाते हैं वहाँ से स्टार्ट हुआ है। तभी वहाँ से जो है बनकर रेडी है रोड, वही रास्ता से होते उसी रास्ता से आएंगे। तो ये देखिए रोड जो आपको दिख रहा है, ये रोड यहाँ तक मौजूद हुआ है। तो यहाँ के बाद जो है आपको दिखाता हूँ चर्च की ओर, यहाँ से ब्रिज बनेगा कि क्या बनेगा मुझे पता नहीं, पर यहाँ पे अभी अवेलेबल रोड है। हो सकता है कि आने वाला समय में ब्रिज ऐसे जाए, ओवरब्रिज ऐसे जाए, और लोगों का कहना है कि ओवरब्रिज ऐसे जाएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसे नहीं जाएगा, सीधा मिला देगा। तो आप चलिए रोड दिखाता हूँ मैं आपको, वही आपको रोड दिखाता हूँ कि कहाँ तक बना है। अभी ये पत्थर वगैरह बिछ चुका है, ये पत्थर वगैरह देखिए पत्थर वगैरह बिछा है, और जहाँ तक अभी बन चुका है वहाँ से जो कि रजौली बस स्टैंड जो है वहाँ से किलोमीटर मिलते हैं इधर आने के लिए। ये है निनौरा क्षेत्र, और काफ़ी बहुत दिन के बाद जो है इधर रोड बन रहा है, और आधा जगह में जो है रोड बिछ चुका है, जो कि तकिया पर मोहल्ला जिसे कहते हैं वो उधर से बिछते हुए आ रहा है। और अभी यहाँ नहीं बिछा है, और बिछेगा तो आपको मैं दिखाऊंगा। मिट्टी वगैरह भी गिर चुका है रोड के लिए, तो आपको मैं दिखाऊँगा। चलिए चलो। तो ये देखिए कुछ खेत है निनौरा क्षेत्र का, और यही है जो रोड बनते हुआ रहा है। मिट्टी वगैरह जो गिर चुका है, यहाँ पे मिट्टी वगैरह गिर रहा है ये देखिए। अभी इस साइड में जो है मिट्टी वगैरह गिरा है, तो साइड साइड से होगा। और आगे जो है अभी ये सब में काम नहीं हुआ है, आगे हुआ है काम, तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी इधर भी अभी मिट्टी वगैरह बिछेगा इस साइड में, और इस साइड में भी बिछेगा। तो अभी ट्रैक्टर वगैरह गिरा ही रहा है, तो आपको मैं आगे का दिखाऊँगा तो आगे कैसे काम हुआ है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, ये जो मैं आपको उस साइड से दिखाया था कि मिट्टी वगैरह है, और हम आ गए हैं इस साइड, जो देखिए ऐसे होगा। ये देखिए इस साइड जैसे हुआ है, तो इस साइड भी वैसा ही होगा। और उधर रोड बन चुका है, बहुत दूर तक जा चुका है, जैसा कि आपको मैं बोला कि ढुलौवा से आया है होते हुए। तो आपको मैं दिखाऊँगा, हो सकता है कि रोड दिखाऊँ आपको कि आधा दूर तक रोड बीत चुका है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए हम रोड पे आ चुके हैं, और रोड ढलैया हो रहा है ये देखिए। यहाँ देखिए रोड ढलैया हो रहा है, और उस साइड नाला है निनौरा क्षेत्र का, जो कि ये निनौरा क्षेत्र में हो रहा है। रोड बन चुका है, तो ये नाला निनौरा क्षेत्र में बन रहा है ये देखिए, जो कि कमालपुर तरफ से होते हुए आ रहा था ये सब नाला, जो कि उधर जल्ला है, तो वहाँ से स्टार्ट होते हुए उससे पहले भी आ रहा, और यहाँ तक देखिए ख़त्म होगा। रेलवे फाटक जो है, जो वो सीधे जा रहा है ना, वो नवादा का रेलवे जो है ब्रिज, वहाँ से स्टार्ट, मतलब
यहाँ से स्टार्ट होते हुए आ रहा है ये रोड, जो कि आपको मैं बताया कि रजौली जो बस स्टैंड जो ढुलवा ढुल जाते हैं इस सेट की ओर आ जाता है, तो यहाँ तक अभी फ़िलहाल बन चुका है। और ये नाला देखिए सब बन चुका है, और ये नाला उला का ढलैया हो रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों लोग के पास शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं हर जगह का अपडेट देते रहता हूँ। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।